काला स्वेटर या कोई काली शॉल है? काली नहीं, ये कपड़े काला जी. साहब से कोई सलाम मिलने आया है. भिजवाओ उन्हें अंदर. फरमाइए. बाहर मेरी टैक्सी खराब हो गई है. जी. बाहर बारिश भी बहुत तेज है और इतनी रात गए मुझे कोई सवारी नहीं मिलेगी. तो अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं थोड़ी देर आपके घर में रह जाऊं. बारिश थमते ही मैं चला जाऊंगा. थोड़ी देर? यहाँ पहाड़ों में कई मर्तबा 10-10 दिन तक कब्र नहीं खुलता. अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं बाहर टैक्सी में सो जाता हूँ. देखिए, मैंने आज तक कभी किसी को यहाँ रात बसर करने की इजाजत नहीं दी. आप गलत समझ रही हैं. मैं पूरी रात नहीं रुकूंगा. बारिश थमते ही चला जाऊंगा. वो सामने गुसल खाना है, उसके साथ एक छोटा सा बेडरूम भी है. उसमें जाने की कोशिश मत कीजिएगा. उससे मेरी बड़ी यादें वापस आए. नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं. मुझे बेडरूम की जरूरत नहीं. खुदा करे कि बारिश थम जाए और मैं चला जाऊं. आप ये मत समझिएगा कि मैं मेहमान नवाज नहीं, लेकिन जब एक घर बहुत से लोगों का घर बन जाता है तो उसमें होटल का चलन पैदा हो जाता है. और जब किसी खाली बेडरूम में कोई दूसरा आकर रहने लगे तो उसकी शख्सियत मुतासिर होती है, यानी बेडरूम की. शुक्रिया. उम्मीद है आप सुबह यहाँ नहीं होंगे. जी हाँ, बिल्कुल हरगिज नहीं होंगे. सुबह की चाय आपको मेरा खानसामा दे देगा. शुक्रिया, इसकी भी जरूरत नहीं होगी. मैं 2 घंटे में चला जाऊंगा. अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मेहरदीन को बोलिएगा.
मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मुझे सुबह स्कूल जाना है। आप पढ़ाती हैं? देखिए, मैंने आपको यहाँ एक रात के लिए पनाह दी, और जरूरी नहीं कि मैं आपको अपना बायोडाटा भी दूँ। शब खैर। शब खैर। हाँ अल्लाह। साहब जी। कौन? नाश्ता साहब जी। रख दो मेहरदीन। साहब जी, आपको मेरा नाम कैसे पता लगा? बस देख लो। बारिश रुक गई है, बेगम साहब बोल के गई थी। आप फिक्र ना करें, मैं भी जा रहा हूँ। नहीं नहीं साहब जी, इतनी जल्दी नहीं है, अभी बेगम साहब 1 बजे तक आएंगी, तब तक मैं लंच तैयार कर देता हूँ। अच्छा, मैं शेव कर लूँ, नहा सकता हूँ क्या? क्यों नहीं सर, गीजर चल रहा है गुस्लखाने में। अच्छा शुक्रिया। वैसे ये तुम्हारे साहब कहाँ हैं? मैंने जब से यहाँ नौकरी की है साहब नहीं देखे, बेगम साहब देखी है, बहुत सख्त अफसर है। अकेली रहती हैं क्या? शेरनी है साहब, शेरनी। शेरनी का क्या है, कोई साथ हो या ना हो। तो शादीशुदा नहीं होंगी? नहीं नहीं जी, शादीशुदा है। मैं चीनी भूल गया, लेके आता हूँ। मैडम, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ, तो ये आपके लिए। थैंक यू। मैं शायद अपनी शेविंग किट भूल गया था। हाँ, वो मैंने रखी है लेदर करके, अभी लाई। Thank you.
باسی پھولوں کو اس پہ دردی سے نہیں پھینکا کرتے. تھینک یو جی. اصل میں مجھے بھولنے کی بہت عادت ہے. میں اکثر دکان پہ جاتا ہوں تو اپنے سن گلاسز بھول جاتا ہوں, کسی کے گھر وزٹ کرتا ہوں تو چابیاں بھول جاتا ہوں. ویسے آپ ستار بجاتی ہیں نا, آپ کو کیسے پتا؟ کل ڈرائنگ روم میں دیکھا تھا. کسی زمانے میں بجایا کرتی تھی. کس زمانے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ یو ناٹ سو اولڈ. ویل آئی ایم 41. 41 بھی کوئی ایج ہوتی ہے؟ اس عمر میں تو ویسٹ میں خواتین پہلی شادی کا ارادہ کرتی ہیں. جی اچھا جی, اللہ حافظ. میں زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں, لیکن مجھ پہ ایک ذرا پرابلم ہو گئی ہے. دراصل میں یہاں اپنی خالہ کے پاس رکتا, لیکن انہیں اچانک کسی ضروری کام سے لاہور جانا پڑ گیا ہے. تو اگر آپ مجھے ایک ہفتہ اپنے پاس پیئنگ گیسٹ رکھ لیں. نیور مائنڈ نیور مائنڈ, دراصل میں ہوٹل میں نہیں رک سکتا ہوں. ابھی پچھلے ہی ہفتے میرا آپریشن ہوا تھا اور میری والدہ نے خاص تاکید کی تھی کہ میں کسی ہوٹل میں نہ ٹھہروں. پلیز آپ میری کسی بات کا مائنڈ نہیں کیجیے گا. میں ویسے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ میں جب یہاں آ رہا تھا آپ کو شکریہ ادا کرنے, تو مجھے پتا تھا کہ آپ مجھ سے مل کر ناخوش ہوں گی. ایسی کوئی بات نہیں. اچھا جی, خدا حافظ. سنیے جی, میں نے آج تک کسی مرد یا عورت کو اپنے گھر انوائٹ نہیں کیا. جی آپ یہاں رہ سکتے ہیں ایک ہفتہ, لیکن ایک شرط پہ. جی جی, میں ہفتے بھر بعد چلا جاؤں گا. میری خالہ آ جائیں گی, میں انہی کے پاس چلا جاؤں گا. آپ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس گھر میں بالکل ویسے ہی رہیں گے جیسے آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوں. جی جی, مجھے بالکل منظور ہے. میرا نام نمیر ہے اور میں ایک کمپنی میں مارکیٹنگ مینیجر ہوں. رباب, مسز رباب قادر. مہردین, سامان رکھوائیے اپنا. Mr. Jinnah, The Making of Pakistan, the first international film based on the life and achievements of one of the great. بیگم صاحب, رات کے کھانے میں کیا پکاؤں؟ ان سے پوچھا تھا صاحب, تو صبح کے نتھیا گلی گئے. اچھا, رات کا کھانا یہیں کھائیں گے؟ بنا کر کمرے میں رکھ دوں گا, کھانا ہوگا تو کھا لیں گے, نہیں تو صبح برتن اٹھا لوں گا. آپ کے لیے مرغی روسٹ کر دوں. ایک تو چھٹی والے دن کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا. تو ٹھیک ہے, میں سوپ بنا دیتا ہوں, ساتھ میں دو چار چانپے بھی تل دوں گا. بڑی رونق ہو گئی ہے صاحب کے آنے سے. میرا دل, مجھے کافی لا دو ایک. ٹھیک ہے, ابھی لاتا. وہ بیگم صاحب, یہ دفتر سے چپراسی آیا تھا, ٹاک دے گیا. اچھا,
I'm sorry, मुझे देर हो गई. मैं अभी अभी नथिया गली से अपनी कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहा हूँ. मेरा ख्याल है कि मैं आज ही अपनी खाला के घर शिफ्ट हो जाऊँ. इतनी जल्दी? मेरा ख्याल है कि मैंने शर्त पूरी की आपकी. मैंने ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं की. वैसे आपकी शर्त से मुझ पर, मेरा मतलब है मेरी तबीयत बड़ा बोझ सा है. आपकी खाला आ गई? आज नहीं तो कल आ ही जाएंगी. मुझे तो आपकी जिंदगी को देख के कुछ खौफ सा होने लगा है. आपने तो रोशनी की हर किरण बंद कर ली है अपने ऊपर. आप इतनी शदीद तन्हाई में क्यों रहती हैं? उम्मीद है महरदीन ने आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया होगा. महरदीन ने तो नहीं, लेकिन आपसे शिकायत है मुझे. क्या? आप अपने साथ अच्छा नहीं कर रही हैं. मैं आपके माजी के मुतालिक मुतजस्सिस नहीं हूँ, लेकिन माजी के तजुर्बात की वजह से किसी के ऊपर एतबार ना करना बुजदिली है. माफ कीजिएगा. तो आज शाम आप चले जाएंगे? इंशाल्लाह. आपके आने से 5 साल पहले, ठीक 5 साल पहले, आपके वाले बेडरूम में मेरे शौहर रहा करते थे. आपके शौहर अब कहाँ हैं? उन दिनों हम नए नए यहाँ शिफ्ट हुए थे, लेकिन हम सिर्फ 7 दिन इकट्ठे रहे. कुछ और लोग भी थे हमारे साथ. बताइए बताइए. क्या बोल? बस रुबाब, मेरा मतलब है बेगम कादिर. अगर आप, मैं फिर कहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो आज का दिन आप मेरे साथ गुजारें. मैं इतने अरसे से यहाँ रह रहा हूँ और हमने कभी साथ खाना नहीं खाया, इकट्ठा चाय नहीं पी. बस इस वक्त से रात तक. और वैसे भी मैं किसी को यूं लोनली जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकता हूँ. क्या मतलब? मेरा मतलब है क्या आप अपनी जिंदगी से कुछ घंटे भी किसी को नहीं दे सकते? यानी हर चीज का सदका दिया जाता है. मेरा मतलब है सदके के तौर पे कुछ वक्त, राहे मौला कुछ घंटे. अच्छा जी, खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. और अगर आपकी खाला ना आई हो तो आप वापस आ सकते हैं. थैंक यू. आज के लिए शुक्रिया. अब इस तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं. रुबाब, देखिए मैं जा रहा हूँ और ज्यादा फ्री भी नहीं होना चाहता, लेकिन आप ये स्याह लिबास ना पहना करें. इसमें मुझे जिंदगी की तौहीन नजर आती है. काला रंग मुझे पसंद है. लेकिन क्यों, आखिर क्यों? काला रंग मायूसी का रंग है. मुझे वैसे भी 0 वाट के बल्ब जहर लगते हैं. 0 वाट के बल्ब ना रात को दिन में तब्दील कर सकते हैं और ना रात को रात रहने देते हैं.
और स्याह रंग पहनने वाले भी 0 वाट के बल्ब होते हैं। भला दिन और रात में क्या फर्क है नुमैर? आप मुझसे दिन और रात का फर्क पूछती हैं तो फर्क सिर्फ कैफियत का है, रोशनी और अंधेरे का नहीं। रात घटती है तो दिन बढ़ता है, दिन उम्मीद है तो रात मायूसी है। हर जानदार, तकरीबन हर जानदार दिन से मोहब्बत करता है, रोशनी से मोहब्बत करता है। अच्छा, खुदा हाफिज। रात बड़ी सतरपोश होती है नुमैर, कब्र की तरह हर चीज को छुपा लेती है, आंसुओं को, गुनाहों को। वो दिन की तरह नंगी हकीकतों को बेनकाब नहीं करती। रात बड़ी पर्दापोश है। बस आप ये स्याह आत्मी लिबास ना पहना करें, काला रंग सब रंगों की नफी करता है। स्याह रंग इसरार का रंग है, मिस्ट्री और तकद्दस का रंग है, एहतजाज का रंग है। अच्छा, आपका कुछ भी फलसफा हो इसे पहनने का, क्या आप किसी की खातिर इसे पहनना छोड़ नहीं सकती? पता नहीं क्यों आपको इन कपड़ों में देख के मुझे उलझन सी होने लगती है। आपके हाथ कितने खूबसूरत हैं। पता नहीं क्यों कुछ लोग अच्छे लगते हैं और लगते चले जाते हैं। क्या आपने किसी से मोहब्बत की? इस जिंदगी में तो नहीं, शायद कोई और जिंदगी मिले तो इरादा है। क्या मतलब? आम नॉर्मल आदमी मोहब्बत करवाने की इतनी शदीद ख्वाहिश रखता है कि वो खुद मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन चाहे जाने की आरज़ू तो सबको होती है, ये तो नेचुरल सी बात है। क्या सोच रही हैं रुबा? चाहे जाने की आरज़ू नेचुरल है नुमैर, लेकिन किसी को चाहना बिल्कुल अननेचुरल। इसीलिए इंसान जिस कदर मोहब्बत पाकर खुश होता है, उसी कदर किसी के इश्क में मुब्तिला होकर कर्ब सहता है। जब आप किसी से मोहब्बत करेंगी तो वो कितना खुश नसीब होगा। जब किसी खूबसूरत पढ़े लिखे अमीर नौजवान से मोहब्बत की जाती तो औरत समझती है वो मोहब्बत कर रही है, और जब किसी तरहदार नौजवान लड़की से कोई मर्द इश्क करता है तो वो समझता है मोहब्बत कर रहा है। हालांकि दोनों गलत फहमी का शिकार होते हैं। अच्छे लोगों से मोहब्बत नहीं की जाती नुमैर, अपनी अना का फायदा किया जाता है, अपनी अना को बूस्ट किया जाता है। तो फिर आप किस तरह के इंसान से मोहब्बत करेंगी रुबाब? इश्क अननेचुरल है, मुश्किल पसंद है। इसलिए नहीं कि मैं अजियत पसंद, बल्कि सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं मोहब्बत करने की अहल हूं भी कि नहीं। मैं किसी बदनामे जमाना शराबी जवारी हरीस कीड़े और बदशकल आदमी से मोहब्बत करूंगी, जिसका मुझे कभी कोई अजर ना मिले, कोई सवाब ना, सिर्फ मोहब्बत फी सबीलिल्लाह। मैं एक हरीस कीड़ा हूं, बदशकल, बदनामे जमाना, मुझसे मोहब्बत करने का कोई अजर नहीं मिले, कोई सवाब नहीं होगा। आप मुझसे मोहब्बत करेंगी फी सबीलिल्लाह? कभी तुम
सोचो तुमने हमसे क्या किया, तुमने क्या किया, क्या किया। आज आपको हो क्या गया है? कुछ नहीं, तुम्हें अपनी खाला का पता करना चाहिए। छोड़े खाला को, खाला का क्या करना? बहुत ज्यादा दिन हो गए, मैं आप पे बोझ हूं ना। मेहरदीन की बेटी कितनी प्यारी लग रही थी ना, दुल्हन को कम उम्र ही होना चाहिए। पता नहीं क्यों बड़ी उम्र की औरत कभी दुल्हन नहीं लग सकती। आप बड़ी उम्र की नहीं हैं। मैं अपनी बात तो नहीं कर रही। आप अपनी ही बात कर रही हैं। आपको पिछली शादी का इतना तल्ख तजुर्बा है कि आपको किसी पर यकीन ही नहीं होता है। बताएं मुझे वो कौन था, मैं इसको जाके शूट कर दूंगा। बताएं ना प्लीज, भले मुझे सात समंदर पार क्यों ना जाना पड़े। नो मैर, तुम आइंदा उसकी बात मेरे सामने मत करना प्लीज, कभी नहीं। अच्छा बाबा अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप मुझसे कब शादी कर रही हैं, किस दिन किस घड़ी? कभी नहीं, ये सब कुछ तो एक ख्वाब है। और मैं इतने अच्छे ख्वाब को क्यों तबाह कर दूं शादी करके। बड़ी उम्र का मर्द छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ले तो वो ठीक है ना? कम से कम मज़ाक़ा खेज तो नहीं लगता ना। ये कैसे मज़ाक़ा खेज है बताइए, इसमें क्या बात है मज़ाक़ा खेजी की? जब तुम 36 के होगे तो मैं 50 की होंगी, और जब तुम 50 के होगे तो मैं 64 की होंगी। और जब रुबाब प्लीज, रात से मोहब्बत ना करें, हमारी जैसी शादियां भी कामयाब हुई हैं, होती हैं और होती रहेंगी। लेकिन हमारे जैसी शादियों को कामयाब होने के लिए किसी वली का दिल चाहिए। सिर्फ वही समझ सकता है कि हमारी उम्र की औरतों के अंदर क्या होता है। नुमैर, तुम और मैं बहुत नॉर्मल और मामूली लोग हैं। हमारे रास्ते औलियाओं के रास्ते नहीं, हमारी इश्तिहा हमारी जिन सुन जैसी नहीं। बहुत खूबसूरत सितार है। तो आप सितार भी बजाती हैं? मुझे तो नहीं शौक, मैट्रिक में मास्टर रखा था, वो भी मम्मी को प्लीज करने के लिए, थोड़ी सी सीखी थी बस। किसी लड़की का एडमिशन कराना? नहीं मैम, एक्चुअली मैं माया हूँ, नुमैर की खालाजात का सन। उन्होंने आपको मेरे बारे में नहीं बताया? वो हमारे पास जो ठहरते हैं। और वेल मैम, हम लोग 10 दिन से नुमैर का वेट कर रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ गायब हो गए। परसों मैंने इनको इतनी आवाज़ें दी मॉल पर, लेकिन इनको मेरी आवाज़ नहीं आई। ये तो बाय लक मुझे पता चल गया कि वो यहाँ हैं। फिर कल शाम हमारा ग्रुप घोड़ों पे जा रहा था, मैंने नुमैर को इस तरफ आते हुए देखा, और काफ़ी देर हो गई थी वरना हम सभी आ जाते। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप लोग तो लाहौर नहीं चले गए थे? मेरी बड़ी सिस्टर मेडिकल में है मैम, उनका कुछ क्राइसिस हो गया था, वहाँ गए थे हम हफ्ते भर के लिए। नुमैर अजीब आदमी है,
सारा घर खुला था, दादी माँ घर पर, खानसामा घर पर, और ये भाग गए। एक्चुअली मैम नुमैर बहुत स्पॉइल्ड चाइल्ड हैं, इनको हर वक्त मदरिंग की जरूरत रहती है ना? शायद हम सब यही सोच रहे थे, नुमैर गए तो कहाँ गए। अब मैं जाके मम्मी को बताऊंगी कि बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। वैसे नुमैर ने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया? नहीं नहीं। वेल मैम, खाला जान ने नुमैर को बिल्कुल ही स्पॉइल कर दिया। ऐसी गंदी हैबिट्स हैं नुमैर की कि बस आप ना पूछें। उनकी चाय कोई और बना कर दे, उनकी दही में शक्कर कोई और डाल कर दे, उनकी शलवार में जाबन भी कोई और डाल कर दे। खाला जान का बस चले तो वो उनकी शेव भी बना दिया करें। यहाँ तो वो अपना सारा काम खुद करता है, बल्कि मुझे भी लुक आफ्टर करता है। कमाल है मैम, ये मटेरियल शिफॉन है ना? मैम आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई, बहुत जबरदस्त लग रही हैं आप इस कलर में। वरना जब आपकी एज की औरतें हमारी नकल करती हैं तो जरा अजीब सी लगती हैं। आप खुद बताएं, अगर आपकी एज की औरत ने डार्क लिपस्टिक लगाई भी हो, आईब्रोज प्लक किए हुए हों, पाल ब्लो ड्राई कराए हुए हों, आप खुद बताएं वो कैसी लगेंगी। कलरिंग बुड्ढी तोते को समझाता ही नहीं है, आप इसे ड्रेसिंग सीख लें। मेहंदी ना, बस एक मिनट में। तुम जा रहे हो? जी। मुझसे मशवरा भी नहीं किया? इसलिए कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता और आप मुझे भेजना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी आप मुझे जाने का मशवरा जरूर देंगे, बल्कि भेज कर रहेंगे, क्योंकि कल माया आई थी। फिर मैं यहाँ इस तरह कैसे रह सकता हूँ, कब तक रह सकता हूँ? मैं इस कदर आजाद ख्याल भी नहीं हूँ कि पूरी उम्र इन उम्मीदों पर यहाँ बैठा रहूं। किन उम्मीदों पे? अगर आप मुझसे शादी नहीं कर सकते, आपकी कुछ जहनी उलझने हैं जो आपको ज्यादा अजीज हैं, तो आप उनसे प्यार करें, आपको पूरी आजादी है। खुदा के लिए नुमैर, मुझे सारी उम्र बड़ा प्यार मिला, माँ बाप से, भाई बहनों से, दोस्तों से, लड़की से। आप खाली बर्तन, मेरा बर्तन भरा हुआ है। मैं चाहता था कि हम इसे आधा आधा करें। मैं आपकी मदद करना चाहता। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे किसी मर्द की मदद नहीं चाहिए। मदद माय फुट। आई पिटी। खबरदार, खबरदार जो तुमने मुझे पिटी किया। और अगर मैं सच कहूं तो आप मेरा यकीन कर दें? क्या? मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ये बड़ी घटिया सी बात है, बहुत झूठा सा इजहार है। मैं सारी जिंदगी ये कहना चाहता हूं। हम सारी जिंदगी का इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? और फिर तुम्हें जिंदगी के बारे में पता भी क्या है? मुझसे शादी कर ले रुबाब, प्लीज। खुदा के लिए नुमैर, अभी कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए ये बात मत कहो। सलाम बीबी जी। वास्सलाम। बाबा नुमैर साहब घर पर हैं? हैं जी। और आंटी? वो तो स्कूल गई। अच्छा, आप मुझे प्लीज नुमैर का कमरा दिखा देंगे बाबा? जी चलिए चलिए। हाय। तुम्हारी इज्जत खत्म हुई कि नहीं? मैं बहुत जिद्दी इंसान हूं, और जब जिद्दी इंसान फैसले कर लेते हैं तो फिर टलते नहीं। तो तुम बैलेंस ब्रस की बुटी तोड़ी से शादी करोगे? होश से बात करो। मैं तो होश से बात कर सकती हूँ मैं, लेकिन सारा शहर होश से बात नहीं करेगा। जिधर भी जाओगे लोग यही कहेंगे, वो देखो नुमैर और उनकी बेबे, बैठे बैठे एक लाफिंग स्टॉक बन के रह जाओगे।
तुम क्या हो, कैसे सोचते हो तुम? सदियों से तुमने 60 साल के बुढ़े की बगल में 20 साल की लड़की को बिठाकर उनका मजाक तो ना उड़ाया। हमारे जोड़े पे बड़ी हंसी आती है तुम लोगों को। 60 साल का आदमी कभी कभी बहुत अपीलिंग होता है नुमैर। हाँ, अगर उसके पास दौलत हो, प्रेम हो, पैसा हो, वो फर्क कर सके औरत पर। शट अप, तुमने तो औरत को मेरी नजर में जोंक से भी बदतर बना दिया। खुदा के लिए नुमैर, क्या लगेगा 16 साल का फर्क? इस बुढ़ी ने तुम्हें फंसाया कैसे? तुम फैमिली की लड़कियां हो, तुम्हें कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकी। इसे जरूर कार जादू आता है ना? ये ख्याल भी तुम अपने दिल से निकाल दो मैं, किसने मुझे फंसाया है। मैं तो पहले ही दिन से उसके रख रखाव और पर्सनालिटी पे खाम खा जाता हूँ। उसे मनाता रहता हूँ, वो मानती नहीं। हाउ क्लेवर, खूब समझती है ना सारी मुश्किल को बेचारी। जो ये रात को नकली दांत काट कर रखने पड़े ग्लास में और सुबह मुंह नजर आया नुमैर साहब को, सारा इश्क हरन हो जाएगा नुमैर साहब का। मुंह बंद रखो, उसके दांत नकली नहीं है। अब नहीं तो 10 साल बाद होंगे। जरा ख्याल करो, 36 साल की उम्र के बाद सारी जिंदगी नकली दांत, छिली हुई मुर्गी की जिल्द, गदली आंखें, उभरे हुए नसों वाली हाथ। माया, आजो मेहरतीन। हेलो आंटी। हेलो। मैं आपके लिए क्रीम लेकर आई थी। कैसी क्रीम? वो जो आपके चेहरे पर रिंकल्स है ना, उनके लिए। वैसे भी आपको धूप में पढ़ाने जाना पड़ता है ना। थैंक यू। बड़ा अच्छा है आंटी, आपने ब्लो ड्राई कराया हुआ है। वैसे भी इंसान को अपनी एज का ख्याल नहीं करना चाहिए, अगर कॉन्फिडेंस हो सब ठीक रहता है। मैं तो समझती थी आप बहुत सिंपल हैं, लेकिन अच्छा है आंटी। कलर किए हैं ना आपने अपने बाल? माया, नुमैर अपने कमरे में। आप इन्हें अब जाने दें आंटी, खाला जान के फोन पर फोन आ रहे हैं। तो मैंने उसे नहीं रोका। तो फिर किसने रोका है? वो खुद फैसला नहीं कर सकता। आप बहुत चलाक हैं शायद, जो खुद फैसला कर चुकी हैं और फैसले को आपने नुमैर का फैसला बना दिया है। लेकिन याद रखिए, कोई भी 42 बरस की औरत किसी भी मर्द को 22 बरस की लड़की से नहीं बचा सकती। ये न्यूक्लियर है मैडम, अब जंग आलू तलवार से जंग जीती नहीं जा सकती। मोहब्बत में इतनी कुव्वत होती है कि वो हर नक्स को छुपा देती। आपकी उम्र की औरत मोहब्बत भी करती है, खिदमत भी करती है, समझदार सियाने भी होती है, लेकिन उसके पास जवानी नहीं होती। और इसके पास जवानी ना हो उससे कौन मोहब्बत करेगा? पता ये कभी हुआ है ऐसा कि बर्थ को औरत की मोहब्बत ना चाहिए? डेफिनेटली उसकी जवानी चाहिए। अगर कोई 42 बरस की औरत अपना फिगर अट्रैक्टिव बना भी लेती है तो भी उसकी जल्द उसकी उम्र बता देती है। उसकी आंखें, उसकी चाल, क्या क्या छुपाएंगी आप नुमैर से? चलिए, आपने मुझे रास्ते से हटा भी लिया तो हर बार कोई नई माया आएगी। मुझसे साल छोटी, 2 साल छोटी, 6 साल छोटी, लेकिन हर माया दूसरी से निराली होगी, ज्यादा जहरीली हो। क्या तुमने बूढ़ा नहीं होना? इसके मायने ये नहीं है कि मैं अपना ताजा ढला हुआ सिक्का जोर से ना बजाऊं, उसकी झंकार ना सुनाऊं सबको। क्या हर लड़की तुम्हारी तरह जालिम होती? क्या हर बड़ी औरत आपकी तरह अहमक होती है? जब शहजादा गुलफाम को कैद किया होगा बतीउल जमाल ने, वो जरूर आपकी तरह होगी जालिम। जील से अपने मुल्क से ही उठा कर ले गई थी उनको विदाने में। देख लें आप, ये मेरा चैलेंज है आपको। अगर आप नुमैर को खुद जाने देती हैं तो आपकी इज्जत रह जाएगी आपकी नजर नहीं तो बहुत रुसवाई होगी, वरना कोई ना कोई माया उड़ा कर ले जाएगी नुमैर को जरूर।
नुमैर चलें? बस दो मिनट जरा मेहरदीन मेरा सामान ले आए। ओके। रुबाब को खुदा हाफिज कह रहा हूँ। नुमैर चले, वो बहुत देर हो गई है। बस दो मिनट। पक्का? आपकी कसम। ओके, देर नहीं लगाना। रुबाब, खुदा हाफिज। मुझ पर इल्जाम मत धरिएगा, मेरी नियत नेक थी। ठीक है, डोंट वरी। मैं आपकी मदद करना चाहता था, वरना वरना क्या? वरना यही कि मेरा ख्याल है कि माया आपसे बेहतर है, कम से कम मर्द की साइकोलॉजी को तो समझ सकती है, उसका साथ तो दे सकती है। तुम मर्दों को जिंदगी के हर मुकाम पे सिर्फ और सिर्फ एक कम उम्र लड़की की जरूरत होती है, बस। वो भी तुम जैसा ही था। तुम मुझसे अक्सर पूछते थे ना कि वो कौन है और इस वक्त कहाँ है। वो मेरी जवान साल बेटी की दोस्त के साथ चला गया। सुन रहे हो तुम? मेरी बेटी की दोस्त के साथ, इस घर से, उस बेडरूम से, हमारी 16 साल शादीशुदा जिंदगी की मुसाफत से। सिर्फ सात दिन वो लड़की यहां रही और सब कुछ तय हो गया। उस लड़की ने न्यूक्लियर एज का सफर बड़ी तेजी से तय किया। रुबाब, मैं 20 बरस की थी तो ब्याह ही गई, और जब मैं 36 बरस की हुई तो वो बेटी की दोस्त के साथ चला गया। जानते हो मेरी बेटी ने क्या किया? उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली। वैसे तो मर्द लोग बड़े बदनसीब होते हैं, सिर्फ औरत से मोहब्बत नहीं करते, कम उम्री से मोहब्बत करते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, और मैं यहां रहकर आपसे साबित करूंगा कि मुझे आपसे मोहब्बत है। फिर सही, किसी और जिंदगी में। हर मर्द हजरत यूसुफ नहीं होता नुमैर, और हम तो बहुत छोटे लोग हैं। 0 वॉट के बल अब जाओ और इतने बड़े बड़े दावे ना करो, बड़े बड़े सबूत देने पड़ जाएंगे, और मुझसे तुम्हारी शिकस्त नहीं देखी जाएगी। बाब, फी सबीलिल्लाह मोहब्बत करने के लिए किसी वली का दिल चाहिए, और हम बड़े आम से लोग हैं। नुमैर प्लीज अब जाओ, वरना बारिश आ जाएगी, और पहाड़ों की बारिश का कोई एतबार नहीं। अंदर बाहर सब भीग जाता है। प्लीज अब जाओ ना। मैं खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Thank you.
नहीं।